केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राज परिवार की मुखिया माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव देह को सिंधिया के आवास सफदरगंज मार्ग पर ले जाया गया, जहां कई लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। बता दें कि गुरुवार सुबह तकरीबन 10 बजे केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपनी मां के पार्थिव देह के साथ हवाई मार्ग से ग्वालियर पहुंचेंगे और यहां कुछ समय के लिए उनकी मां के शव को जयविलास पैलेस के पोर्च में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे जयविलास पैलेस से राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंतिम यात्रा शुरू होगी और सिंधिया रियासत के थीम रोड स्थित छतरी मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की समाधि के पास ही उनका एक विशाल चबूतरे पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई वीवीआईपी लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके चलते थीम रोड को अभी से विशेष निगरानी में लिया गया है। निश्चित रूप से ये सबके लिए दुखद सूचना है कि हमारे में बीच ममता में राजमाता साहब नहीं रहीं। उन कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और उनके सानिध्य में मुझे राजनीति में सामाजिक कार्य करने का कई बहुत लंबे समय तक अवसर मिला, आज वो हमारे बीच नहीं है। दिल्ली में उनके निधन की सूचना सुबह मुझे मिली, वो 3.5 महीने से अस्पताल में थी। कल वो हमारे बीच यहाँ आएंगी, अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। और आखिरी बार का मैंने आपसे कहा कि पोहरी में एक बार लोकसभा चुनाव के समय का घटनाक्रम है, रोक करके बीच रास्ते में कहा कि प्रदुम प्रचार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। आज हमारे बीच में बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है मेरे को कि आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली एम्स में, और मेरे ख्याल से आज दिल्ली में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा घर पर। और कल 10 बजे वहाँ बाई प्लेन श्रीमंत सिंधिया जी उनको लेकर आएंगे और 12 बजे उनको दर्शनों के लिए रानी महल के पोर्च में रखा जाएगा और करीबन 3-3.30 बजे वहाँ से उनकी शव यात्रा प्रारंभ होगी। महाराज स्वयं उनको अपने कंधों पर लेकर आएंगे और यहाँ शाम को 5 बजे उनका दाह संस्कार होगा।